रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पर अब एक और युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है। ईरान और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। भारत ने भी हालात पर अपनी नज़र बनाई हुई है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के खतरे को भांपते हुए एयर इंडिया फ्लाइट्स ने आज यानी शनिवार से ईरानी एयर स्पेस से गुजरना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट्स को काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी समय युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे के दौरान ईरान इसराइल पर 100 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइल से हमला बोल सकता है। दरअसल इसराइल और ईरान के बीच दुश्मनी उस समय शुरू हुई जब 1 अप्रैल को इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया, जिसमें 2 ईरानी कमांडर समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान ने उसी समय इसराइल से इसका बदला लेने की ठान ली थी। इंटरनेशनल मीडिया के सूत्रों की माने तो ईरान कल यानी रविवार को किसी भी समय इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। इससे पहले भी ईरान और इसराइल के बीच तनाव की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब यह तनाव इससे एक कदम आगे बढ़ गया है। अगर कल ईरान इसराइल पर हमला करता है तो इसके कई दूरगामी दुष्प्रभाव न केवल मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला बोला तो वह इसराइल का साथ देगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों को फोन कर ईरान को हमला ना करने के लिए मनाने को कहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने उस पर हमला बोला तो वह इसका माकूल जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ इराक, सीरिया, लेबनान, कतर, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देश खुलकर ईरान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। अगर यह युद्ध होता है तो इसमें रूस की भूमिका काफ़ी अहम हो जाएगी। रूस पहले से ही ईरान का सैन्य सहयोगी रहा है और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय और पश्चिमी देशों से उसकी ठनी हुई है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध में रूस भी ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, रूस अपने मित्र देश चीन और उत्तर कोरिया को भी ईरान के पक्ष में लामबंद कर सकता है। वहीं सुन्नी बहुल पाकिस्तान हमेशा से ही शिया बहुल ईरान को अपना दुश्मन देश मानता रहा है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अमेरिका का साथ दे सकता है। हालांकि इस मामले में भारत की भूमिका तटस्थ रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बट रही थी तब भी भारत ने तटस्थ की भूमिका निभाई थी। इसका मतलब साफ है कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ईरानी दूतावास पर इसराइली हमले के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई और भी गहरी हो गई है। उस पर उनके नेताओं की धमकी भरी बयानबाजी ने युद्ध की संभावना को और भी प्रबल बना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इस हफ्ते की शुरुआत में चेताते हुए कहा था कि इसराइल को उसकी हरकत की सजा जरूर मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। आयतुल्ला ने कहा था कि किसी भी देश में वाणिज्य दूतावास और दूतावास का दफ्तर उसी देश का हिस्सा होते हैं। जब इसराइल ने दूतावास पर हमला किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे इलाके पर अटैक किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की इस चेतावनी पर इसराइल कहाँ चुप रहने वाला था। उसकी तरफ से भी कहा गया कि अगर ईरान उसके इलाके में हमला करता है तो इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा और उस पर हमला किया जाएगा। जहाँ तक इसराइल और ईरान की सैन्य ताकत की बात है, ईरान का रक्षा बजट इसराइल के मुकाबले काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर का है। लेकिन एक्टिव सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इसराइल से बहुत आगे है। इसराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। हालांकि हवाई शक्ति में दोनों देशों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसराइल के पास जहां 612 प्लेन हैं तो वहीं ईरान के पास 551 प्लेन हैं। लेकिन टैंक के मुकाबले में ईरान इसराइल से करीब दोगुना ताकतवर है। इसराइल के पास 2200 टैंक हैं तो ईरान के टैंक्स की संख्या 4071 है। समुद्री ताकत में भी ईरान इसराइल से आगे ही है। इसराइल के पास 67 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास कुल 101 युद्धपोत मौजूद हैं। सैन्य ताकत के अलावा रक्षा कूटनीति भी युद्ध में किसी देश की हार या जीत तय करने में अहम भूमिका निभाती है।
युद्ध की ओर बढ़ते ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में भारत, फ्रांस, रूस, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इन देशों ने अपने नागरिकों को फिलहाल मिडल ईस्ट के इन दोनों देशों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीयों से ईरान या इजराइल की यात्रा करने से बचने को कहा है। अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला तो मिडल ईस्ट में एक बार फिर से बड़ी जंग छिड़ सकती है, जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। जानकारों की माने तो अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो ये काफी लंबा चल सकता है, जो दुनिया को दो धड़ों में बांट देगा। अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।